न जाने एससी एसटी ओबीसी की कितनी सीटें खाई है, 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है। टूटा हम सबकी एकता से आज टूटा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैं नाम से सबको नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग आए हैं मेरे लेफ्ट से लेके राइट से लेके और सेंटर तक और मेरे पीछे जो खड़े हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो लोग हमें यहाँ खड़े सुन भी रहे हैं, ना यहाँ लेफ्ट है, ना यहाँ राइट है, ना यहाँ सेंटर है। और मजे की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर को लेके और टीचर की भर्तियों को लेके प्रोटेस्ट है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। ये प्रोटेस्ट कॉल मैंने नहीं दिया, ये जीती जागती मिसाल है जिसको कहा जाता है सोया हुआ समाज। लेकिन आज मेरे समाज ने ये जग जाहिर कर दिया कि हम सोए हुए नहीं हैं। वक्त आएगा और वक्त मुझे लगता है आ चुका है, जहां पे हम सबको ये एहसास हो चुका है कि अब कुछ भी मांग कर नहीं लेना। किससे मांगना है? शासक कभी किसी से मांगता है? राजा कभी किसी से कुछ मांगता है? अब हमें छीन के लेना है अपना अधिकार। मैं आप सबसे बस ज्यादा बात नहीं करूंगी आज। मेरा हृदय सच में, मैं कभी इमोशनल नहीं होती हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल होती हूँ और हमेशा संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है। मेरे पास एक साल के अंदर अनेकों ऑफर आए दलाली के, अनेकों इस तरीके से प्रपोजल्स ऑफर्स आए कि चुप हो जाओ, आपकी नौकरी लगा देंगे, परमानेंट कर देंगे। लेकिन मैं आज आपके सबके सामने और जितने भी सोशल मीडिया, जो हमारा सच्चा मीडिया है और जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, उन सबको यही कहना चाहूंगी कि मैंने समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, समाज का सर झुकने नहीं दिया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगी कि दलाली और बेईमानी का रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन इस तरीके से समाज का गला घुटता जाएगा। और ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल भी डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई उन बच्चों की जो आने वाले या जो बीत गए, जिनका इन्हीं बेईमान हुक्मरानों ने गला घोटा है और बेईमानी एनएफएस करके, नॉट फाउंड सूटेबल करके गला घोट के उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स को यूआर के पढ़ाया गया। ना जाने एससी एसटी ओबीसी की कितनी सीटें खाई है, 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है, हजारों, अगर 62 से आंकड़ा लगा लो तो हजारों के हिसाब से हमारी सीटें हैं, जिनको अगर हम जो अभी आज कहते हैं ना, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर होता है, यहाँ पुलिस भी खड़ी है, सुन ले, आज मैंने कभी भी अपनी लड़ाई के लिए आवाज नहीं उठाई होगी इतनी मुखर से, जितनी मुखरता से जितनी जोर से मैं दूसरों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रही। आज भी मैं उन्हीं सीटों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। ये एक मिसाल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं तब तक अपने समाज के लिए लड़ूंगी, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ूंगी, अधिकार के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हम सबको शासक बनना है और ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से भगाना है। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये हमारा न्याय मंदिर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे बच्चे हजारों के हिसाब से जो सपना देखते हैं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते, जो ये इस तरीके के लोग उनके अधिकार मारते हैं, फर्जी दस्तावेज लगा के उनको भगाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनके साथ ना इंसाफी होती है, इस तरीके से उनका गला और ना घुटे और हमारे बच्चे सर उठा के सम्मान से विश्वविद्यालय में आके पढ़े और पढ़ाएं, ये उनके अधिकारों की लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, जितने संगठन यहाँ पे हैं, चाहे वो समता सैनिक दल है, जो अभी डीसी कपिल जी ने जिन सबके नाम लिए, और डॉक्टर सागर भी यहाँ पे, अगर सुन रहे हैं तो आगे आ जाएं, और यहाँ पे बोल चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि टूटा तो नहीं आया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचिंग एसोसिएशन से, लेकिन टूट गया। आज आप सुन लो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी, जी जी बंते जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और पूजिए, जितने भी बंते जी यहाँ पे खड़े हैं, आए हैं, शुक्रिया आप सबका। आपके बिना वाकई में हमारी लड़ाई अधूरी होती है और आप सब ने यहाँ पे आकर ये बता दिया, वाकई में सही कह रहे हैं, टूटा
हम सब की एकता से आज टूटा, टूटा हम सब की एकता से आज टूटा। और आज इस संघर्ष ने करके दिखा दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। टूटा जातिवादी मानसिकता में टूटा, बिल्कुल टूटा भी जातिवादी है। टूटा सागर सर ने बिल्कुल सही कहा कि टूटा जातिवादी टूटा है। मुझे अभी तक वो चीज याद है कि जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ था, कोई भी ऐसा ऊंची जाति का इंसान डूटा का नहीं जो मेरे को आके कहता है कि आपका मैटर सुलझा देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको न्याय मिलेगा। मैंने एक ही चीज कही कि जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। और आज हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नौकरियां सिर्फ डॉक्टर रितु को नहीं चाहिए, नौकरी मेरे पूरे समाज को चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। नौकरी ना दलाली के साथ चाहिए, ना आपकी जी हजूरी करके चाहिए। जो हमारा मेरिट है, पोटेंशियल है, उस हिसाब से हमें सम्मान के साथ नौकरी चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया एडवोकेट महमूद प्राचा जी। अगर आप नहीं होते सच्चा अम्बेडकराइट एडवोकेट महमूद प्राचा, जिन्होंने इस लड़ाई में एक एक स्टेप में मुझे गाइड किया, एक एक स्टेप में मेरा साथ दिया, निशुल्क अपनी सेवाएं दी मेरा केस लड़ने के लिए। और भानु प्रताप जी, जिस समय एक फोन कॉल की दूरी पे हमेशा एक फोन किया, और सर हमेशा, चाहे वो कोर्ट में पहुंचना था, चाहे वो सामाजिक लड़ाई में पहुंचना था, मेरे साथ खड़े होना, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे। एडवोकेट बेनीवाल जी यहाँ पे हैं, हरनाम जी यहाँ पे हैं, आप सबका एसपी वृद्धि सर, रिटायर आईएएस सब यहाँ पे हैं, अरुण प्रोफेसर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पे आए। और हॉकर फेडरेशन के ये हमारे संदीप जी, राजेश जी, आप सबका, मोहित जी, तहे दिल से शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए। बस यही कहूंगी, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम।